हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम। और आज की हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं सभी बच्चों को ये बोलूँगा, जिन्होंने अभी तक मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी वो ज़रूर पुरानी वीडियो देख लें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जब आप समझोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसा कि सबको बताया, हम लोगों ने स्टार्ट किया अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसका मैंने मीनिंग बता दिया था, पार्टनर के राइट बता दिए थे, पार्टनरशिप डीड मैंने क्लियर कर ली। तो वो सब चीज़ें जब आप पढ़ लोगे तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो आज की क्लास के अंदर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कि पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर इम्पोर्टेंट कौन कौन से प्रोविजन से जो हम सबको ध्यान में रखने हैं, और पार्टनर की क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं आज मैं उस पर आपसे बात करने वाला हूँ। तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान में जो है वो रखनी है कि जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस क्या क्या हैं, पहले मैं उस पर बात करूंगा और देन उसके बाद मैं बात करूंगा पार्टनर्स की लाइबिलिटीज़ क्या है। उसके बाद फिर आपके कुछ पार्टनरशिप डीड पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद जैसे जैसे टॉपिक आएगा वैसे वैसे हम लोग क्लियर करेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी साथ साथ में करते जाएंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं, और अभी से ही मैं बोल दूँ, अभी अगर ये क्लासेस आपको रेगुलर चाहिए तो बच्चों अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन आप दबा दें, ताकि रेगुलर मेरी क्लासेस हो रही है उसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और साथ साथ में आपकी पढ़ाई में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा और आपको हर टॉपिक एक के बाद एक मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू कर दें। आज हम लोगों ने जो बात की वो है क्या था, इम्पोर्टेंट प्रोविजंस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजन से जो हमें ध्यान में रखने हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसमें पहला है जो प्रोविजन से वो है सेक्शन 30 के अंदर, और सेक्शन 30 क्या बोलता है कि अगर सभी पार्टनर एग्री हैं और अगर सभी पार्टनर की कंसेंट है तो माइनर को भी एज ए पार्टनर हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर कर सकते हैं। ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब तक सभी पार्टनर एग्री नहीं होंगे हम माइनर को पार्टनरशिप में एग्री मतलब हम लोग एंटर नहीं करवा सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसी सेक्शन में बोली गई है कि सभी की कंसेंट से अगर कोई माइनर पार्टनर एंटर हो जाता है तो वो सिर्फ बेनिफिट के लिए एंटर होगा, लॉस वो बियर नहीं करता। और यही सेक्शन 30 में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी पार्टनर को एंटर करवाते हो तो वो सिर्फ बेनिफिट के लिए एंटर होगा, उसके लिए लॉस के लिए एंटर नहीं होगा। तो यहां होगा आपका माइनर पार्टनर, और वो भी किसके लिए होगा, बेनिफिट के लिए होगा, लॉस के लिए नहीं होने वाला है। ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। सेकंड चीज में लिखा जो इंपॉर्टेंट है वो है सेक्शन 31, और वो लिखा हुआ है कि हम किसी भी पर्सन को पार्टनर के बीच में एंटर कर सकते हैं, हम किसी भी पर्सन को पार्टनर में एंटरिंग करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, सभी पार्टनर की कंसेंट होनी चाहिए, मेजोरिटी नहीं, 100% सभी पार्टनर की कंसेंट होनी चाहिए, या फिर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए तभी जाके हम किसी को एंटर करवा सकते हैं, बाकी नहीं करवा सकते हैं, जिसको मैं बोलूंगा एडमिशन ऑफ पार्टनर। कि अगर किसी पार्टनर को बिजनेस में एज ए पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर करवाना है तो या तो सभी पार्टनर की कंसेंट हो या सभी पार्टनर का एग्रीमेंट हो, तभी नया व्यक्ति एज ए पार्टनर उसमें एंटर होगा, बाकी एंटर नहीं होने वाला है। यह चीज हमको ध्यान में रखनी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है सेक्शन 32, और उसमें क्लियरली मेंशन है कि कोई पार्टनर अगर बिजनेस से जाना चाहता है तो वो 100% जा सकता है, कंडीशन इज दैट सभी पार्टनर की कंसेंट होना जरूरी है, या तो उनके बीच में एग्रीमेंट हो जाए या फिर सभी पार्टनर की कंसेंट हो जाए कि चलिए कोई बात नहीं, ये व्यक्ति रिटायर होना चाहता है, ये व्यक्ति पार्टनरशिप से जाना चाहता है तो वो जा सकता है। इसका मतलब ये है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, यानी कि कोई भी पार्टनर बिजनेस से रिटायर हो सकता है पार्टनरशिप बिजनेस से, लेकिन कंडीशन क्या है, सभी पार्टनर की कंसेंट या एग्रीमेंट कुछ भी चीजें होनी चाहिए तभी वो रिटायर्ड कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वो है सेक्शन 69, और सेक्शन 69 क्या बोलता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। और रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप ये बोलते हैं कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन
कंपलसरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है, आप चाहे तो करवाए चाहे तो नहीं करवाए, ये सब चीजें उसके अंदर लिखी हुई है। लेकिन हम सब ये चीज जानते हैं कि अगर रजिस्ट्रेशन अगर किसी फर्म का हुआ है तो उसके बेनिफिट भी बहुत सारे होते हैं, तो हर पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है बट कंपलसरी नहीं है, ये सेक्शन 69 के अंदर लिखा हुआ है। और लास्ट जो आपका है वो है सेक्शन 75, वो ये कहता है किसी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है और तो उस केस में फर्म डिसॉल्व हो जाती है। अगर कोई पार्टनर एग्री नहीं होते हैं तो अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो फर्म डिसॉल्व हो जाती है, ये लिखा हुआ है सेक्शन 35। कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है और अगर बाकी के पार्टनर में अगर कोई डिसाइड नहीं है, इसका मतलब अपने आप ही वो फर्म क्या हो गई, आपकी डिसॉल्व हो गई, ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। तो यहां पर लिखा हुआ है डेथ ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन 30 बोलता है माइनर को बेनिफिट के लिए हम लोग पार्टनरशिप के अंदर ला सकते हैं अगर सभी पार्टनर एग्री हो तो। सेक्शन 31 बोलते हैं 100% कंसेंट होगी तो कोई भी पार्टनर आ सकता है। सेक्शन 32 बोलता है अगर 100% कंसेंट हुई तो कोई भी पार्टनर बिजनेस से रिटायर्ड हो सकता है। सेक्शन 69 बोलता है फर्म का रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है बट कंपलसरी नहीं है, ये सेक्शन 69 बोलता है। और सेक्शन 35 बोलता है अगर पार्टनर के बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं है, अभी अब नहीं हुआ है, तो जैसे ही किसी पार्टनर की डेथ हुई वो फर्म ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाती है, ये सब चीजें लिखी हुई। और ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे जो मैंने लिखी। अब हम लोग बात करने वाले हैं लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर, लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर। देखो बच्चों, हो सकता है ये सब चीजें आपने पढ़ रखी हो सकता है आपको बोरिंग लग रही हो, लेकिन ये सब चीजें जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है जहां हम लोग पढ़ रहे हैं वहां पर जरूरी, अगर कोई चीज बुक में दे रखी है तो उसको समझना है, पढ़ना है, ताकि वो आगे अब क्वेश्चंस में काम आने वाली। हो सकता है इसके सवाल भी या एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं हो, फिर भी नॉलेज बहुत जरूरी है और मैं ईच एंड एवरी चीज आपको पढ़ूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें लायबिलिटी में पहली जो लायबिलिटी लिखी हुई है वो ये है कि कोई भी पार्टनर अगर फर्म के कंपटीशन में कोई बिजनेस कर रहा है और इसके लिए बाकी के पार्टनर से कंसेंट नहीं लिए और अगर वो प्रॉफिट अर्न करता है तो ये उसकी ड्यूटी है वो प्रॉफिट उस फर्म को वो लौटाए। कि अगर कोई पार्टनर फर्म के कंपटीशन के अंदर कोई भी पार्टनर फर्म के कंपटीशन के अंदर अपना बिजनेस चला रहा है और उसकी वजह से उसको प्रॉफिट हो रहा है और जहां पर उसने बाकी पार्टनर से कंसेंट नहीं लिए, तो यह उस व्यक्ति की या उस पार्टनर की ड्यूटी है कि वह प्रॉफिट किसको लौटाए, फर्म को लौटाए। यह चीज क्लियरली मेंशन है, यस। लेकिन अगर लॉस हुआ तो वह खुद बियर करेगा क्योंकि वह उसका अपना डिसीजन था। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि पहली ड्यूटी क्या होगी, प्रॉफिट रिटर्न टू फर्म। कि अगर कोई पार्टनर फर्म के कंपटीशन में कोई बिजनेस कर रहा है और बिजनेस करने से उस व्यक्ति को फायदा हुआ है तो वो फायदा ले तो लिया, लेकिन अभी तक उसने बिजनेस करने के लिए उसने बाकी के पार्टनर की कंसेंट नहीं लिए और उसको फायदा हुआ है तो उसका लायबिलिटी है, वो फायदा वो फर्म को लौटाएगा। लेकिन लॉस होगा तो लॉस अकेला बियर करेगा, फर्म उसको बियर करने वाली नहीं है। सेकेंड जो चीज है वो ये है कि अगर किसी पार्टनर को फर्म के साथ जो भी ट्रांजेक्शन किया है उसमें प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट भी वापस फर्म को लौटाने का उसका उसकी ड्यूटी है, उसकी जिम्मेदारी है। कि फर्म अगर किसी व्यक्ति ने, यहां पर क्लियरली एक चीज लिखी, इफ अ फर्म अर्न्स प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन of the firm from the use of firm's property or business connection, the profit so earned shall be paid to the firm. कि firm की property या firm के business connection की वजह से किसी partner को कोई profit हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी होगी वो profit वो वापस किसको लौटाने वाला है, वो profit वापस firm को लौटाएगा। तो ये चीज important है जो आपको ध्यान से समझनी है कि
एडिशनल जो भी बेनिफिट हुआ है रिटर्न टू फर्म। पहले में क्या था, बिजनेस की कंपटीशन में कोई काम हुआ है किसी पार्टनर का और उसको फायदा हुआ है तो लौटाना है, और सेकंड में क्या लिखा हुआ है, फर्म की प्रॉपर्टी यूज हुई या फर्म के कनेक्शन की वजह से किसी ट्रांजेक्शन में किसी पार्टनर को फायदा हुआ है तो वो फायदा उसको उस फर्म को लौटाना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्म ने किसी कस्टमर को कोई माल बेचा, कोई सेल की, और इसकी वजह से किसी पार्टनर को उस बायर से कोई कमीशन मिल रहा है, तो उस पार्टनर की जिम्मेदारी है कि बायर से जो भी कमीशन उसने लिया है फर्म के ट्रांजेक्शन की वजह से तो वो फर्म को वो पैसा लौटाएगा, ये उसकी ड्यूटी है। तो दोनों ही केस में क्या है, कोई एडिशनल बेनिफिट ले रहा है तो भी फर्म को लौटाना है, और कोई प्रॉफिट ले रहा है तो भी फर्म को लौटाना है। तो आई होप ये दोनों चीजें मैंने आज क्लियर की है, पहला इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को और दूसरी चीज पार्टनर की लायबिलिटी को। तो बच्चों आई होप कि आपको समझ में आया है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे जरूर कमेंट करें, उस टॉपिक को मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा या उसके लिए दोबारा वीडियो बना लूंगा। विद दैट थैंक यू सो मच, आपका अविनाश जैन, और वंस अगेन रिमाइंड कर रहा हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन जरूर दबाए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे।